Hello students, today we will start with the unit 1 of the e-commerce. So e-commerce, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले सुना होगा कि जैसे हम लोग whatever the business activities, कोई भी business activity हो, business में चाहे वो products को sell करना हो, खरीदना हो, कोई raw material order करना हो, means any type of the business activity which is done through online. अगर कोई भी हम business activity या कोई information का exchange हम करते हैं और वो online करते हैं, that is e-commerce, ये जिसको हम बोलेंगे electronic commerce. अब ये डिफरेंट अगर हम बात करें कि बिजनेस तो शॉप पे भी होता है, बट उसको हम बोलते हैं दैट इज ट्रेडिशनल कॉमर्स. और जो आज का टाइम है, जहाँ पे आपने देखा है कि अमेज़ॉन कितना फ्लरिश हो गया है, पहले अमेज़ॉन इतना नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था इतना, वो पहले सिर्फ बड़े शहरों में था, फिर बड़े शहरों से थोड़ा थोड़ा वो छोटी सिटीज़ में आया, अब वो थोड़े बहुत जो विलेजेस जहाँ पे रूट या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है तो वो वहाँ तक डिलीवर करते हैं. ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स मीन्स कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जो हम करते हैं और उसको स्पेशली हम ऑनलाइन करते हैं या इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं. तो ई कॉमर्स पहले हम लोग यहाँ मीनिंग देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो डिफरेंस है ई कॉमर्स का और एक जो ट्रेडिशनल कॉमर्स का, उसके बीच में कंपैरिजन देखेंगे. तो ई कॉमर्स क्या है? दैट इज नोन शॉर्ट में हम उसको ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलेंगे. दैट इज जनरली रेफर्स टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मतलब सारे तरह के ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू कमर्शियल एक्टिविटी या जिनको हम कमर्शियल एक्टिविटीज बोलते हैं, चाहे वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना हो, प्रोडक्ट सेल करना हो, रॉ मटेरियल ऑर्डर करना हो, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू कमर्शियल या बिजनेस से रिलेटेड हो और हम उसको इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उसको हम बोलेंगे ई कॉमर्स. जैसे इन्होंने आगे डिफाइन करा है कि टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इन्वॉल्विंग बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल. अब वो चाहे जो एक्टिविटी है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है या एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है. ठीक है, एंड दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रोसेसिंग एंड द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटाइज्ड डेटा. ये कह रहे हैं डिजिटल डेटा, जिसको हम बोलते हैं ना, जहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं है या पेपर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आइदर आपके पास सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है, लैपटॉप में है, पीडीएफ के फॉर्म में है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, आपके टेक्स्ट, साउंड, विजुअल इमेजेस. आजकल आप देखिए कितना ऑनलाइन बिजनेस होता है, अगर आपने सुना होगा नाम इंडिया मार्ट का, तो उसमें सारे बिजनेस जो बड़े बिजनेस मैन हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डील करते हैं और वो रिटेलर्स को सेल करते हैं. वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं? वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं. तो अगर आपको जैसे अगर कुछ खरीदना होता है तो आप वहाँ पे जाके सर्च करिए कि सो एंड सो प्रोडक्ट, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, उन मैन्युफैक्चरर्स से आप कॉन्टैक्ट करिए तो वो आपको अपनी कैटलॉग सेंड करते हैं. और कैटलॉग क्या होती है? दैट इज अगेन आर डिजिटाइज्ड डेटा. अब उस कैटलॉग में क्या क्या लिखा होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं उसके प्राइस लिखे होंगे और प्लस शिपिंग चार्जेस अगर अलग अलग तरह की होगी, तो दैट इज डिजिटाइज्ड डेटा. ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड, अगेन ये बिजनेस से रिलेटेड, अब वो बड़ा लेवल पे बिजनेस है, इंडिविजुअल लेवल पे भी बिजनेस हो सकते हैं. हम लोग ईमेल्स भेजते हैं, ई ग्रीटिंग्स भेजते हैं. अब आजकल के टाइम कैसा है, जहाँ पे हम लोग इनविटेशन कार्ड्स भी क्या करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो अगेन इट इज़ डन थ्रू ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू करा जाता है, तो वो अगेन ई कॉमर्स में आ जाता है. ठीक है, तो ई कॉमर्स हैज़ क्रिएटेड अ न्यू इन्वायरमेंट इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स यूजिंग द इंटरनेट. ई कॉमर्स ने क्या करा है, एक न्यू इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा है, किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए. क्योंकि ट्रेडिशनली बिजनेस क्या होता था, सिर्फ ऑफलाइन होता था, शॉप्स पे ही कस्टमर आएगा, खरीदेगा और प्रोडक्ट उनकी सेल होगी, बट अब ऐसा नहीं है. आप अच्छा, एक चीज़ ये थी कि पहले हम सिर्फ जैसे पीलीभीत में हैं तो पीलीभीत का ही सही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम बरेली चले गए, दिल्ली चले गए. अगर मान ली कोई प्रोडक्ट हमें बैंगलोर से मंगाना हो तो वो इंसान सोचता था कि भाई वहाँ इतनी दूर कैसे जाएंगे लेने के लिए. तो ये जो डिफ़िकल्टी थी ना रीच की, वो ई कॉमर्स ने ख़त्म कर दी. तो इसलिए एक नया एनवायरमेंट मिला बिजनेस को थ्रू द इंटरनेट. तो इट डील्स विद द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट. इंटरनेट के थ्रू आपको जो कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन
अवेलेबल है। अब आप अमेज़ॉन पे आप सर्च कर लिया, अमेज़ॉन कहता ही है कि ए टू जेड, मतलब आपको अगर कुछ भी चाहिए तो देट इज़ वन सिंगल शॉप या वन सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हर एक चीज़ अवेलेबल की जाएगी, ठीक है। प्लस अब ऐसा नहीं है जैसे हम लोग शॉपकीपर्स अपने ऐड करते हैं, शॉपकीपर ऐड कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू करते हैं या वो जो अनाउंसमेंट करके घूमते रहते हैं कभी सेल वगैरह लगती है। अब ई कॉमर्स में भी हमारा एडवर्टीजमेंट होता है, हम वेबसाइट्स या यूट्यूब हम लोग देखते हैं तो यूट्यूब पर कितनी कंपनीज के प्रोडक्ट के एड्स आते हैं और वो यूट्यूब भी पूछता है कि आपने एड्स में कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे हैं। तो ये क्या है, अगेन इट इज़ ए पार्ट ऑफ एन ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, अलाउ द नेगोशिएशंस होते हैं, रॉ मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं एंड सेटलमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि हमें पहले करने में बहुत टाइम लगता था और डिफ़िकल्टी आती थी कि बैंक से जाओ पैसे निकाल के लाओ कि किसी को पेमेंट करना था, अब वो चीज़ शॉर्ट हो गई है। इंटरनेट के थ्रू हम डायरेक्टली बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जीपे आ गया है, जैसे आपके बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं तो अगर आपको कोई भी पेमेंट करना हो तो आप COD या POD पे ऑर्डर ना करके आप डायरेक्टली अपने जीपे से या अमेज़ॉन पे से जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर हम कहीं भी सेटल करने हैं तो वो इजीली इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। आगे उन्होंने सर्विसेज बताई हैं कि जैसे कम्युनिकेशन सर्विसेज, डेटा मैनेज करना और सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये अगेन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स का ही पार्ट है। तो जैसे मैंने कहा ई कॉमर्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, डेटा को मैनेज करना और सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के थ्रू होती हैं। अब जैसे क्या होता है कम्युनिकेशन सर्विस, जैसे दैट इज सपोर्ट्स द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बायर टू सेलर इलेक्ट्रॉनिकली। डेफिनेटली अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं अगर सेलर से डिमांड कर रही हूँ तो वो अपनी कैटलॉग, अपना PDF या अपना वो जो भी उन्होंने बुकलेट टाइप बनाई होगी, ई बुकलेट बनाई होगी, वो हमें सेंड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे क्या क्या वो प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं एंड विद देयर प्राइस। डेटा मैनेज करना, इट इज़ द एक्सचेंज एंड स्टोरिंग ऑफ द डेटा इन अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट टू फैसिलिटेट द इजी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट या ई कॉमर्स के थ्रू हाँ क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो है इन्फॉर्मेशन का वो बहुत इजी हो गया है, हैंडी हो गया है, क्विक हो गया है, पेपर वर्क हमारा काम हो गया है, सिर्फ हमें PDF बनानी होती है, सेंड कर देनी होती है या ज़्यादा से ज़्यादा PPT बनानी होती है या हमें इमेजेस बनानी होती हैं। अब आप इंस्टाग्राम देख लो कितने ऐड हमें मिल जाएगा, वो सब क्या होता है डेटा, वो अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट। तो कैसे शेयर करते हैं, अब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल गया है। फेसबुक पे देख लो लोग, फेसबुक जो एक सोशल मीडिया, जो एक पहले यूजुअली लोगों को टाइम पास के लिए या फ्रेंड्स बनाने के लिए यूज़ करता, आज लोग उसको अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सब क्या है, कैसे हो रहा है, डेटा मैनेजमेंट के थ्रू। एंड प्लस लास्ट है दैट इज द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अब सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स में कोई भी किसी ने बिजनेस कर दिया, एक हर एक चीज़ की गाइडलाइंस होती है। जैसा अगर हमें ऑफलाइन दुकान खोलनी है तो हमें कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वैसे ही अगर हमें बिजनेस भी ऑनलाइन करना है तो हमें कहीं GST रजिस्ट्रेशन कराना है, कहीं पे हमें अपने बिजनेस ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके बाद हम बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि वो वैलिडेट करा जाता है। अब बाई चांस कुछ होते हैं ऐसे लोग जो फ्रॉड कर देते हैं, वो आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएंगे ऐसे, तो इसलिए कहा जाता है कि स्टिल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ई कॉमर्स या जो इंटरनेट बिजनेस होता है उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे लोग फ्रॉड होते हैं, हर कोई फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं, सारे रजिस्ट्रेशन, अपना जो उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करते हैं। बट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 100% में से तो 95% होंगे या 97% ऐसे लोग होंगे जो फ्रॉड नहीं करते हैं, सारे सिक्योरिटी के साथ अपना काम करते हैं। कुछ 5-3% ही लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ लूप होल, तो सब लोग लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं, वो ई कॉमर्स पे भी है। तो ई कॉमर्स क्या करता है, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, डेटा मैनेज करता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म देता है।
अब नेक्स्ट आते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पे. फर्स्ट क्या कहते हैं पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज प्रॉपरली नोन एज ई कॉमर्स विच इज यूज टू मीन ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस एंड ट्रांजेक्शन. द बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन, काम हो, ऑर्डर करने से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, देट आर परफॉर्म्ड थ्रू द इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. ये सारा काम क्या होता है कि जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं. तो ये सब क्या चीज़ होगी आपकी ई कॉमर्स का पार्ट. ई कॉमर्स सिंपली कुछ नहीं है, जो बिजनेस पहले ऑफलाइन होता था उस बिजनेस में जो भी ए टू जेड एक्टिविटीज होती थी उसको हमने क्या कर दिया है इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू करने लगे हैं, दैट इज ई कॉमर्स. और डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मैकेनिज्म टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं एंड अपने कस्टमर को रिटेन करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बिजनेस एनवायरमेंट इन विच द इंफॉर्मेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मूव्स इलेक्ट्रॉनिक. क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बाय और सेल किया जा रहा है एंड मूव किया जा रहा है गुड्स एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली जाता है. हम फिजिकली अवेलेबल नहीं हैं, फिजिकली बेचने नहीं जा रहे हैं, फिजिकली खरीदने नहीं जा रहे हैं, बट स्टिल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है. किसके थ्रू हो रहा है, वाया इंटरनेट. डेफिनेशन दे रखी है कलाकोट एंड विंस्टन ने और उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से चार अलग अलग पर्सपेक्टिव समझाए हैं ई कॉमर्स के. इन्होंने कहा है कि ई कॉमर्स क्या है, कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है. कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब कम्युनिकेशन चाहे वो हम ईमेल्स के थ्रू कर रहे हों, चाहे हम टेलीफोन लाइन्स के थ्रू कर रहे हों, या फिर चाहे हम पब्लिकली कोई सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो या यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो, किस चीज़ की, अपने प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, क्या चीज़ है, कितने का है, कैसे खरीद सकते हैं, तो वो सारी क्या हुई कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव हुआ ई कॉमर्स का. दूसरा है बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव. बिजनेस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड वर्क फ्लोज. ऑटोमेटिकली ऑर्डर आ जाएगा और अपडेट हो जाएगा ऑर्डर, उसके बाद अपडेट होके पैक हो जाएगा, जो टीम बननी होगी आपकी वो प्रोडक्ट पैक करके उसको सेंड कर देगी और प्रोडक्ट आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा. तो बिजनेस पर्पज से का भी पर्सपेक्टिव है ई कॉमर्स के थ्रू. नेक्स्ट है सर्विस पर्सपेक्टिव. सर्विस पर्सपेक्टिव मतलब अब देखो सर्विसेज किसको दी जाएंगी, कस्टमर को दी जाएंगी. तो हमारा क्या कंज्यूमर मैनेजमेंट और जो हम सर्विस कॉस्ट जो पहले ज़्यादा लग रही थी, अब मैं एग्जांपल दूँ, अगर जैसा मान लीजिए हम लोगों को कोई अगर टीवी ख़राब हो जाता है या कोई फ्रिज खराब हो गया या एसी खराब हो गया तो हमें पहले फिजिकली शॉप पे जाना था. अब आज क्या है, आज अगर बिजनेस आपका ई कॉमर्स के थ्रू रन कर रहा है या इंटरनेट पे अवेलेबल है तो लोग अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करा सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू. अब वो आपकी कंपनी की जो वेबसाइट्स हैं उस पर करा सकते हो या इफ अगर आपने रिटेलर ने अपना बिजनेस भी ऑनलाइन कर रखा है तो आप वहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हैं. तो ये क्या है, आप जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि ई कॉमर्स क्या है, एक टूल है जो एड्रेस करता है डिजायर ऑफ द फर्म कि हमें क्या चाहिए, कंज्यूमर की डिजायर्स एंड मैनेजमेंट की, ताकि हम सर्विस कॉस्ट को कम कर सकें वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द सर्विस डिलीवरी. ठीक है, तो ये आपका सर्विस पर्सपेक्टिव. सर्विस क्या है कि क्विक जल्द से जल्द लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इजी एंड अवेलेबिलिटी के साथ और एट देन अफोर्डेबल प्राइस के साथ, तो ये सर्विस पर्सपेक्टिव है. नेक्स्ट है ऑनलाइन पर्सपेक्टिव बात करें तो डेफिनेटली कोई भी एक्टिविटी हमें करनी है चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग हो, प्रोडक्ट हो या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का हो, वो सब किसके थ्रू की जाएगी, इंटरनेट के थ्रू की जाएगी एंड ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. तो ये चार पर्सपेक्टिव थे किसके मतलब ई कॉमर्स को समझने के लिए उन्होंने विंस्टन ने चार पर्सपेक्टिव दिए कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, देन सर्विस से रिलेटेड एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से रिलेटेड. ओके, अब आगे ये सब उन्होंने मीनिंग ही आगे डिफाइन करा, बस एक उन्होंने यहाँ पॉइंट बहुत अच्छा समझाया है कि दैट इज कि ई कॉमर्स डज नॉट नेसेसरी मींस ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक. कि जरूरी नहीं है कि सारी हर एक चीज, अब देखो ऑर्डर तो हमें ऑनलाइन मिल जाता है मगर पैकिंग तो मैनुअली करेंगे ना हम, तो इसीलिए कुछ एक्टिविटीज जो होंगे वो तो हम मैनुअली ही करते हैं. इन ई कॉमर्स मोस्ट बिजनेस, ज़्यादातर बिजनेस ऑपरेशंस जो होंगे, कम्युनिकेशन हो गया जैसे बायर और सेलर के बीच में, ऑर्डर का प्लेसमेंट हो गया, ऑर्डर का कंफर्मेशन हो गया,
पेमेंट हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। बट अगर हम बात करें पैकिंग की, तो हो सकता है पैकिंग के लिए मशीन्स अवेलेबल हो, बट अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जहाँ पे भी अगर हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो पैकिंग तो आपकी मैन्युअली ही होती है, ठीक है। अब वो एक बड़े कार्टन में बॉक्स में रखना, बबल रैप करना, ये सब मैन्युअली वर्क किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो ई कॉमर्स है उसमें ज़्यादातर, मतलब हम ये नहीं कहेंगे ऑल एक्टिविटीज, बट वी विल से ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। और जो सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मे बी शिप्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। अगर हम कोई ई कॉमर्स के थ्रू हम अगर कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, सर्विस रिलेटेड टू पोर्टल मैनेजमेंट, पोर्टल बनता है अगर आपको पता होगा, जैसे पोर्टल्स कंपनी भी कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंपनीज को, तो वो क्या है, वो भी ई कॉमर्स के थ्रू किया जाता है। या हम पोर्टल मैनेजमेंट का काम करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है एम्प्लॉयज से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, तो वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, जिसको हम EDI भी बोलते हैं। बट फॉर फिजिकल गुड्स के लिए अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस यूजिंग ट्रेडिशनल फिजिकल ग्राउंड डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क बता दिया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली अगर सर्विस डिलीवर करते हैं तब वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के थ्रू होगा। अब देखिए, पहले जब हम प्रोडक्ट खरीदते थे तो हमें हर एक चीज़ जो पेपर है वो हार्ड कॉपी मिलता है, आज हमें जो है अगर आप मेल ईमेल से कनेक्टेड हैं तो इवन आपको बिल भी जो है वो मेल कर दिया जाएगा। मूवमेंट ऑफ द या ट्रैकिंग ऑफ द गुड कि कहाँ पहुँचा है, कब कितने दिन में मिल जाएगा, वो सब चीज़ आपको मेल पर मिल जाती है, दैट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। और वही इन्होंने बताया कि अगर हम कोई गुड फिजिकली खरीद रहे हैं कोई चीज, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो ट्रेडिशनल फिजिकल ग्राउंड पे होगा ऑन द डिलीवरी सिस्टम। तो ये था आपका पूरा ई कॉमर्स, जो क्या होता है, एक बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज आर रन थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके फीचर्स, फर्स्ट फीचर है दैट इज यूबीक्यूटी। यूबीक्यूटी मीन्स होता है, अब जैसे अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो वो क्या होता था, बाउंड हो जाता था। अगर मैंने बिजनेस मान लिया या मैंने कोई दुकान पीलीभीत में खोली है तो मैं सिर्फ पीलीभीत के ही कस्टमर को सेल कर सकती हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के पूरनपुर हो गया या बरेली हो गया या कोई छोटे मोटे गांव हो गया, वो लोग खरीद सकते हैं। बट अगर मैं चाहूँ मैं अपना प्रोडक्ट बेंगलोर में बेच दूँ, तमिलनाडु में बेच दूँ या केरला में बेच दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता था। बट यही बाउंड्रीज जो थी वो ई कॉमर्स ने ब्रेक कर दी। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इट लिबरेट्स द मार्केट फ्रॉम बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू द फिजिकल स्पेस एंड मेक इट पॉसिबल टू शॉप फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम सच एज योर डेस्कटॉप। आप एक जगह बैठ के पूरे वर्ल्ड वाइड या पूरे कंट्री वाइड में कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, वो फीचर ई कॉमर्स ने आपको प्रोवाइड करा है। नेक्स्ट है आपका फीचर दैट इज द ग्लोबल रीच। अब जो ग्लोबल रीच हमें ट्रेडिशनल कॉमर्स से नहीं मिल रही थी, हम पहुंच नहीं सकते थे दूसरी जगह के कस्टमर तक, ई कॉमर्स ने हमें हेल्प करा है दूसरे जगह के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे स्टेट के, या इवन दूसरे नेशन या कंट्री के भी कस्टमर तक पहुंचने में किसने हेल्प करी है, हमें ई कॉमर्स ने हेल्प करी है। तो ई कॉमर्स क्या करता है, दिस हेल्प्स या परमिट्स द कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स टू क्रॉस कल्चर एंड नेशनल बाउंड्रीज फार मोर कन्वीनियंटली एंड इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम अपने सिटी के, अगर हम चलो सिटी की बात करें तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं भेज सकते थे ज़्यादा प्रोडक्ट, बहुत कुछ प्रोडक्ट होंगे वो बिकते होंगे जैसे रेता वगैरह ये सब आता है, बट हम हर कोई प्रोडक्ट को नहीं भेज सकते थे ना। तो ई कॉमर्स ने क्या करा, हमें ग्लोबल रीच या हमारी रीच जो थी, ये कह सकते हैं कस्टमर वाइड रीच जो है वो हमारी बढ़ा दी। अब हम सिर्फ पीलीभीत में नहीं सेल करेंगे, हम पूरे यूपी में सेल कर सकते हैं, पूरे यूपी में ही नहीं पूरे नॉर्थ एरिया ऑफ इंडिया उसमें सेल कर सकते हैं, एंड नॉट इवन नॉर्थ एरिया ऑफ या नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया भी हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ग्लोबल रीच, और ये किसने प्रोवाइड करा है, ई कॉमर्स में, जो कि हम ट्रेडिशनल कॉमर्स में नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। डेफिनेटली जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेच रहे हो या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट बेचोगे, तो हमें डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना है और उसके हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स सेट करने होते हैं। तो दैट इज़ द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। ये चीज़ तो हमने एथिक्स में भी पढ़ी थी,
या अगर हम कहीं बाहर जाके बिजनेस करने जाते हैं या हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो हम जहाँ अपना कल्चर के तो स्टैंडर्ड्स लेते ही लेते हैं, बट जहाँ जा रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं वहाँ का कल्चर भी तो समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो ई कॉमर्स होता है वो पर्टिकुलर किसी स्टेट के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता, वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉलो करता है जो विच आर एप्लीकेबल ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फॉलो किए जाएंगे। फोर्थ जो आपका फीचर है दैट इज़ द इंटरएक्टिविटी है। इंटरएक्टिविटी डेफिनेटली उन्होंने कहा जैसे कि कमर्शियल टेक्नोलॉजीज जो 20th सेंचुरी में थी विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ टेलीफोन से हो सकता था, बट ई कॉमर्स क्या करता है इंटरएक्टिव कैसे बनाता है टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू विद द मर्चेंट एंड कंज्यूमर। पहले अगर कोई बिजनेस मान लीजिए कुछ हो करते भी थे हम तो इतना ज़्यादा हमारा कोई कांटेक्ट सेलर से नहीं हो पाता था या किसी मर्चेंट से नहीं हो पाता था या मिडिल मैन से नहीं हो पाता था, बट आज के टाइम पे ई कॉमर्स के थ्रू आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, या उनके बीच में जो है कोई भी कम्युनिकेशन अगर होनी है तो वो इंटरएक्टिविटी ईजिली पॉसिबल है किसके थ्रू ई कॉमर्स के थ्रू। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ द इंफॉर्मेशन डेंसिटी एंड रिचनेस। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है ई कॉमर्स, क्योंकि अब क्या है पॉसिबिलिटी हमारी यह रीच बढ़ गई है। अगर हमें लोगों से रिव्यूज़ पूछने हैं तो हम एक जगह बैठे बैठे ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, लोगों से फीडबैक ऑनलाइन ले सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, वेयर एज जो ट्रेडिशनली हम पहले नहीं कर सकते थे। एंड लास्ट जो फीचर है दैट इज़ द पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन कैसे है यहाँ पे, अगर आप कस्टमाइज बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली पर्सनलाइजेशन आपको मिलेगा जो कि ई कॉमर्स के थ्रू ज़्यादा पॉसिबल है एज़ कम्पेयर टू शॉप। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल की, जैसे एक दुकान है, अगर हमने मान ली मार्केट में एक दुकान खोली है तो हम हर अगर 100 कस्टमर आता है तो 100 कस्टमर के हिसाब से ही थोड़ी हम चीज़ बना के दे सकते हैं। वो बात अलग है केक जो बनते हैं उनका तो काम ही कस्टमाइज करने का है, बट जो शॉप्स खुली हैं या ट्रेडिशनल बेसिस पे या जो ऑफलाइन खुली होती हैं वो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज नहीं दे सकती हैं आपको हर जगह। वो अपनी एक स्टैंडर्ड है, वो सबके लिए वही फॉलो करेंगे, बट ई कॉमर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं पर्सनलाइजेशन ला सकते हैं, कस्टमाइजेशन ला सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर के लिए डिफरेंट तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, डिफरेंट नीड्स उनकी सर्व कर सकते हैं। तो वो कौन किसने हेल्प करी, ई कॉमर्स ने हेल्प करी। तो ये 6 फीचर्स हैं आपके ई कॉमर्स के, और अब हम डिफरेंस देख ले रहे हैं ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स में। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है, यहाँ पे मैंने इसकी पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप पे सेंड भी कर दी है तो आप लोग उस पर से भी देख लीजिएगा। 11 पॉइंट्स हैं, सब मोर देन इनफ हैं, आप इसमें से 7 to 8 पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा, वो बहुत इनफ होंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स रेफर्स टू द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या है, अगेन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज की फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान तक हो रही है, बट एक शर्त है कि यहाँ पे इंटरनेट का कोई यूज नहीं है, दैट इज आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स। और ई कॉमर्स में क्या है, वही सारी एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज ई कॉमर्स में आ जाता है। फर्क आप देख लीजिए यहाँ पे, इन्होंने कहा है कि वही सारी चीजें पर्सन टू पर्सन हो रही है विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, और यहाँ ये कह रहे हैं कि वही सब सेम चीज आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें देखो आप इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर दिया है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या कह रहे हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन हो रहा है बट इंटरनेट का कोई यूज नहीं है, वहाँ पे कोई भी पेमेंट भी जो है वो कैश में हो रहा है, सिर्फ कैश में हो रहा है, प्रोडक्ट जो है खरीदा जो जा रहा है वो फिजिकली खरीदा जा रहा है, बट ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, सारा काम जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट।
सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस. यही मैंने अभी बात करी थी कि कभी कभार ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके की ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सभी के लिए एक जैसा अगर हम सोचें कि हम डेवलप कर दें तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में 100 तरीके के कस्टमर है तो हम हर किसी को उनकी विशफुल नहीं पूरा कर सकते. एक में यहाँ पे इन्होंने पॉइंट गलत लिख दिया है. ट्रेडिशनल यहाँ पे जो है वो ट्रेडिशनल है, यहाँ ई कॉमर्स है, तो इन्होंने सेकंड पॉइंट पे इन ट्रेडिशनल लिख दिया है. यहाँ पे आएगा इन ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इट इज़ इजी टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली हम जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं. थर्ड पॉइंट देखिए दैट इज इन ट्रेडिशनल कॉमर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन थ्रू सेलर एंड बायर इज प्रेजेंट. अब ये होता है, ये प्लस पॉइंट था ट्रेडिशनल कॉमर्स का. अगर हमें कुछ खरीदना है तो हम दुकान पे जाके सेलर से भी बात कर सकते हैं और सेलर बायर से बात कर सकता है. वो उसकी नीड बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है कि उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितने रेंज में चाहिए. वो क्वेश्चंस पूछ के उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट दिखा सकता है. तो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन था. बट ई कॉमर्स में क्या था, वहाँ पर कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, वहाँ पर इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है सेलर एंड बायर के बीच में. क्योंकि अगर हमें कोई बात करनी भी है तो हमें मेल भेजना पड़ता है, फिर वो मेल वहाँ उनकी टीम पढ़ती है, फिर उसका सेंड करती है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग जाता है ई कॉमर्स में. बट यहाँ जो है वो हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, उनकी नीड समझ सकते हैं. फोर्थ पॉइंट जो है, ट्रेडिशनल कॉमर्स इज कैरीड आउट बाय फेस टू फेस, आमने सामने कर सकते हैं हम टेलीफोन लाइन्स के थ्रू या मेल सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं. ईमेल ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो ट्रेडिशनल में वो ये होती है. बट ई कॉमर्स में क्या होता है, उन्होंने कहा है कि इट इज़ कैरीड आउट बाय इंटरनेट या फिर अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. कोई भी अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका मेल भेजने से हो रिलेटेड हो, या वेबसाइट बनाने से हो, ऐप इंस्टॉल करने से हो, या ऐप बनाने से हो, कोई भी काम हो, वो सारा काम जो होगा वो आपका इंटरनेट के थ्रू ही होगा. बैंक्स का ले लो, आजकल बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है. आप बैंक में कितना अकाउंट है, बैंक का स्टेटमेंट निकालना हो, बैंक में अगर कहीं हमें ट्रांसफ़र करना है पैसा, तो वो सारी चीज़ें आपको घर बैठे बैठे अवेलेबल हैं. आप चाहे वो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो या फिर बैंक अपने जो ऐप्स हैं उनके थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज मैनुअल. जो भी जो प्रोसेसिंग होती थी, चाहे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो मैनुअल होती है. ई कॉमर्स में यहाँ ऑटोमेटिक होती है. बस पैकेजिंग अगर मैं वो कहूँ तो पैकेजिंग जो होगी वो मैनुअल होगी. बाकी सब चीज़ जो अपडेट होना है वो ऑनलाइन या अपने इंटरनेट के थ्रू, इन्होंने सिस्टम ऐसे डेवलप करे होते हैं, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाती है. सिक्स्थ है दैट इज इन ट्रेडिशनल कॉमर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स इट्स इंस्टेंट. यहाँ पर जो गुड्स होते हैं वो इंस्टेंट मिलता है, आप गए दुकान पे जाके खरीद लाए और घर पे आ गया प्रोडक्ट. बट ई कॉमर्स में प्रोडक्ट इंस्टेंट नहीं मिलता है, इट टेक्स टाइम टू डिलीवर इट एट योर होम. ठीक है, तो इसलिए कभी कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लोगों को वेट करना पड़ता है. अभी अगर मैं अपना केस बताऊं कि मैंने अभी कुछ अगर ऑर्डर करा था तो इट वाज डिलेइंग इन डिलीवरी. ठीक है, फिर वो एक ऐसा टाइम आया तो अमेज़ॉन ने खुद ही मुझे मैसेज करा कि अगर प्रोडक्ट जो है इस डेट तक नहीं मिला तो हम रिक्वेस्ट कैंसिल कर देंगे, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, और जो मैंने प्री पेमेंट कर दिया था, ऑलरेडी प्रीपेड पेमेंट था वो, तो वो आपको रिफंड कर देंगे. तो वो मेरे को रिफंड हो गया, प्रोडक्ट आए ही नहीं, डिलीवर ही नहीं हुआ. तो उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया. तो ये थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं ना कि एवरी थिंग हैज़ टू साइड्स, जैसे हम कहते हैं कॉइन के टू साइड्स हैं, तो सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है दैट इट्स एक्सेसिबिलिटी इज फॉर लिमिटेड टाइम इन अ डे. अब एक्सेसिबिलिटी, मार्केट जाना हो तो मार्केट आपको सुबह 6 बजे तो खुलने नहीं मिलता है ना, वो 10 बजे से आपको रात के 9 बजे तक, हार्डली 9 बजे तक, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस जहाँ पे आप रह रहे हो तो वहाँ उसके हिसाब से रहेगा. बट अगर ई कॉमर्स की बात करें तो इट इज़ अवेलेबल ऑल थ्रू आउट द ईयर एंड होल वीक एंड फुल 24 आवर्स अ डे.
तो जो जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी क्या है कि 24 घंटों सातों दिन एंड पूरे साल आपके लिए अवेलेबल है ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल कॉमर्स इज डन वेयर द डिजिटल नेटवर्क इज नॉट रीचेबल। ट्रेडिशनल कॉमर्स वहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है जहाँ पे नेट की फैसिलिटी या इंटरनेट नहीं है। अब जैसे गांव की बात करें तो गांव में इंटरनेट उतना अभी भी ऐसे हैं जहाँ लाइट ही नहीं होती है, तो वहाँ इंटरनेट क्या होगा, तो इसीलिए ट्रेडिशनल कॉमर्स वहाँ सबसे अच्छा है। पहले तो यही चलता था, वो तो अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है इसलिए ई कॉमर्स में आ गया, बट अभी भी स्टिल ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ई कॉमर्स अभी भी एंटर नहीं हुआ है। एंड ई कॉमर्स इज़ यूज टू सेव द वैल्यूएबल टाइम एंड मनी। यहाँ पे आपका ई कॉमर्स क्या हेल्प करता है, टाइम एंड मनी आपका सेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल कॉमर्स इज द अदर मेथड ऑफ बिजनेस स्टाइल विच कम्स अंडर द ट्रेडिशनल बिजनेस। ये एक दूसरा बिजनेस स्टाइल है जिसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। एंड ई कॉमर्स क्या है, आपका न्यूअर कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का, जो आजकल हर कोई चाहता है कि हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे या ऑनलाइन जुड़ेंगे या अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे रिसीव करेंगे, तो वो इट इज़ अ न्यू ट्रेंड और अभी भी बहुत फैशन में है कि लोग जितने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो सब ऑनलाइन की तरफ चाहते हैं। नेक्स्ट है इट 10th पॉइंट दैट इज़ इट रिसोर्स फोकसेस ऑन सप्लाई साइड, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो प्रोडक्ट की सप्लाई होनी चाहिए, हम वहाँ उसकी बात करते हैं, और ई कॉमर्स में कहते हैं कि डिमांड आई है, सप्लाई तो हम करेंगे, जब डिमांड आएगी तो सप्लाई करेंगे। और ट्रेडिशनली में हमारा फोकस जो होता है जिसके कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए या सप्लाई हो जाना चाहिए या सेल आउट हो जाना चाहिए, वो हमारा ट्रेडिशनल में ज़्यादा फोकस करता है। 11th पॉइंट है दैट इज़ इन ट्रेडिशनल कॉमर्स कस्टमर कैन इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट फिजिकली बिफोर परचेज। ट्रेडिशनल में प्लस पॉइंट ये था, हम कोई प्रोडक्ट खरीदते थे चाहे वो कोई प्लास्टिक आइटम हो, कोई स्टील आइटम हो, कोई वुड आइटम हो या कपड़े हो, तो उसका हम टच करके फैब्रिक एंड मटेरियल देख सकते थे, बट ई कॉमर्स में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मेजर केसेस जो होते हैं प्रोडक्ट रिटर्न करने के या एक्सचेंज करने के और ई कॉमर्स में या ऑनलाइन में, वो यही होता है कि लोग क्वालिटी से खुश नहीं होते हैं या उनको गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है या इवन डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ मंगाई है और वो ग्लास बॉटल होती है तो वो आते आते ही ग्लास बॉटल टूट हो गई, ये प्लास्टिक बॉटल है तो वो इतनी डिब्बे उसके दब गए तो उसमें से जो भी अंदर मटेरियल होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो वो फिर प्रॉब्लम होती है लोगों को कि एक तो लेट आया, ऊपर से इतनी ख़राब आ गया, फिर उसको वापस करें, फिर ऑर्डर करें, तो ये एक कौन है ई कॉमर्स का। नेक्स्ट है दैट इज इट्स बिजनेस स्कोप ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड फिजिकल एरिया। ये अभी हमने बात करी थी कि ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है वो लिमिटेड एरिया के लिए है, ये लिमिटेड फिजिकल एरिया की है, एक जगह जहाँ दुकान खुली है वो वहीं के लोग उसको खरीदेंगे, बट ई कॉमर्स में क्या है, हम अपना बिजनेस पूरा नेशन वाइड कर सकते हैं, कंट्री वाइड कर सकते हैं या फिर पूरा वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है दैट इज़ फॉर द कस्टमर सपोर्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज देयर इज़ नो सच यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन लेन देन की अगर बात करें कि प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं है या उस प्रोडक्ट के मटेरियल क्या है, तो कोई भी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रेडिशनल वालों के पास